आपसे पूछा गया सुमैया कि आपने क्रेजिएस्ट चीज क्या की है, तो आपने लिखा है बताना मना है। क्यों बताना मना, ऐसा क्या ही किया आप? इनके शो का नाम क्या है? हारना मना, हंसना मना। हमने कभी पूछा आपसे? आप पूछ के तो देखो एक बार। नहीं, नहीं। आप करो तो सही है बात। बताना मना है। आपने कहा सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आपने कहा पापा। हाँ, ठीक है अंकल। नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन वो असल में ना कुछ भी करा सकते हैं मेरे से। वाह, मतलब पापा का नाम लो और ये चीज कर लो, जो चीज नहीं भी करनी होगी ना वो करा देंगे। अच्छा, आपकी ज्यादा कमजोरी है पापा या अम्मी की? अम्मी की। अम्मी, अम्मी की। आपसे पूछा गया सलमान के आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो आपने कहा विटामिन डी, क्योंकि यूके में हर दूसरे बंदे को विटामिन डी की कमी होती। सूरज नहीं निकलता। सूरज नहीं निकलता। सूरज, ये मसला हमारे पूरी पास निकलता है, फिर भी हमारे पास यही हाल है। क्या कह रही हैं आप? हमारे पास निकलता है लेकिन फिर भी हमारी पाकिस्तानी आवाम में भी कमी है। जी जी, नहीं मेरे अंदर नहीं है, आप अपनी बात करो। चेक कब कराया आपने? मैं अभी कल परसों खुद चेक। झूठे। मैंने चेक किया, मेरे अंदर बहुत डीके। टेल अस व्हाई यू शुड विन दिस कॉम्पिटिशन। कोई और चॉइस है क्या? पर्सनैलिटी को एक वर्ड में आपने डिस्क्राइब करने को कहा गया, तो आपने क्या कहा? डैशिंग। डैशिंग, इस डैश में कुछ है या खाली है? वो शो के बाद बताऊंगा। आप शो के बाद बताओगे। तो भैया आपसे पूछा गया कि आप कौन सी मिस्टेक बार बार करती हैं, तो आपने कहा एक ही गलती की थी मैंने जिंदगी में। क्या थी वो? सामने बैठी है वो गलती है। अरे कौन है ये? कौन है गलती? मेरे हस्बैंड है। आपके हस्बैंड है? वो मुझे वाले बात करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? अच्छा, मुस्तफा। मुस्तफा भाई, आपको भी ये गलती लगती है या बस लगती है? मेरे लिए तो ये हसीन गलती है, ऐसा मुझे लगता था। ऐसा लगता था। वाह, आए थे दोनों साथ साथ, जाएंगे अलग अलग। आपने साथ जाना पड़ेगा, सबक सिखाना है। अच्छा ये है, आपने लिखा है सलमान के अगर आप किसी डिजर्टेड आइलैंड में यानी तनहा आइलैंड में फंस गए तो आप किसके साथ फंसना चाहोगे, तो आपने कहा अब्दुल रजाक। माय बडी, ऑब्वियसली नो अदर चॉइस। भाई उनसे तो पूछ लो, रजाक भाई क्या आप भी इन्हीं के साथ फंसना चाहोगे या आप? नहीं, अब लिखा गया किस्मत में तो ठीक है। अच्छा, इतने आप साबिर हो जो मिल गए। नहीं, अब वो कह रहे हैं तो ठीक है ना। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला रजाक भाई को इनके साथ फंसने की तौफीक अता फरमाए। आपसे पूछा गया कि आप डिजर्टेड आइलैंड में किसके साथ फंसना चाहेंगी, आपने कहा इमरान खान के साथ। हाँ। अल्लाह, मैं जाना चाहूंगी लेकिन वो तो बेचारा फंसना नहीं चाहेंगी। जाना चाहेंगी, फंसना नहीं चाहूंगी, वो जान नहीं सकता, चोट लगी है उसको। वहां पे जाएंगी सबसे पहले धरना होगा। वो आपसे कहेंगे देखो मोदी, देखो समझा, डेजर्टेड आइलैंड्स को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। फिर वो आपको जगह दिखाएंगे। अच्छा, आपसे पूछा गया कि पीएसएल के दो टिकट मिलेंगे तो आप किसके साथ जाओगे, तो आपने कहा जो भी मेरे साथ चले। नबस चलती होनी चाहिए। वाह वाह। बड़ा नब्ज में कोई खास नब्जे हैं या कोई भी नब्ज? ये भी शो के बाद बताऊं? ये भी आप शो के बाद बताओगे। वाह भाई, देखो बेटा यूके जाके भी वो खास फर्क नहीं पड़ता लड़कों में। आप देख रहे हो ना साहब, आप जहां पे हो वहीं से इच्छरा से लड़के जो है, इच्छरा से लड़के आप भी वही कर रहे हो जो ये कर रहे हैं। ठीक है भाई, पूछा गया कि कौन किसके साथ बैठना चाहेगा, तो सलमान ने कहा मैं अब्दुल रजाक के साथ बैठना चाहूंगी और चाहूंगा। और बड़ा इन चीजों में मतलब, और सुमैया ने कहा कि क्योंकि सलमान वहां बैठना चाहते हैं इसलिए मजबूरी है कि मरियम नफीस के साथ बैठूं। ताली होनी चाहिए दोनों नौजवानों के लिए। सलमान, ऐसा है कि बड़ा आज लोग होते ना क्रिकेट में पर्ची चल रही है, ये चल रही है, आज शो पे बाकायदा पर्ची चल रही है। सलमान के आने की सिर्फ वजह ये है वो रजाक भाई के रिश्तेदार। भाई इस बात ये आपने जब इनके हस्बैंड है तब नहीं कहा था आपने? यार मेरे साथ नहीं बिठाया था ना, क्रिकेट के साथ नहीं बिठाया रजाक भाई, और वो मेरी पर्ची थी, मेरे भी दोस्त हैं। अच्छा, ऐसा है कि खवातीनों हजरात वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक में हम पर्चियां जरा सही करेंगे, वापस आइए, हार ना मनाए कहीं नहीं जाएगा। We'll be right back.